हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। दोस्तों, ये है मेरा मोबाइल मैक्रो फोटोग्राफी सेटअप जो कि मैं करंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो मेरा सेटअप है इसके रहते मेरे को कोई अदर लेंस या फिर कैमरे की जरूरत नहीं है। इसी सेटअप से मैं एक DSLR लेवल की मैक्रो फोटोग्राफी कर सकता हूँ। ना मैक्रो फोटोग्राफी मतलब सिर्फ इंसेक्ट से फोटो कैप्चर करना नहीं, इस सेटअप से मैं छोटे साइज के प्रोडक्ट या फिर ज्वेलरी या फिर कोई भी अदर चीज़ की क्लोजअप फोटो कैप्चर कर सकता हूँ। ना ये जो मेरा सेटअप है इसमें टोटल 4 कॉम्पोनेंट है। नंबर 1 मेरा फोन, नंबर 2 मैक्रो लेंस, नंबर 3 डिफ्यूजर कर्व लाइट एंड नंबर 4 पावर बैंक। अभी एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सो नंबर 1 मेरा जो फोन है वो है ये Realme 7, एक बहुत ही अफोर्डेबल स्मार्टफोन है। 13 मेगापिक्सल का एक डिसेंट कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसको कि मैं सेटअप में इस्तेमाल करता हूं। नंबर 2 मेरा जो लेंस है वो है इंदो 40mm मैक्रो लेंस। नाउ जो इंदो लेंसेज होते हैं ये एक बहुत ही खास तरीके का मोबाइल मैक्रो लेंस होता है। सो ये बेसिकली एक हैंडमेड लेंस है जिसे कि पॉइंट एंड शूट कैमरा या फिर जो DSLR कैमरे के जूम लेंसेज होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। सो इसके अंदर जो ग्लास है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्लास है जिसकी वजह से जो आउटपुट इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आते हैं। मार्केट में आपको जो चीप मोबाइल मैक्रो लेंसेज मिलते हैं उसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम रहता है जैसे कि डिस्टॉर्शन या फिर ब्लरी एज का प्रॉब्लम रहता है। यानी कि जो फोटो आप कैप्चर करते हो उसमें मिडिल के एरिया में ज़्यादा शार्पनेस रहता है एंड जो कॉर्नर का एरिया है वहाँ पर ज़्यादा शार्पनेस नहीं रहता है। बट इस इंदो लेंसेज के साथ आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। इस लेंस में आपको 0 डिस्टॉर्शन, 0 ब्लरी एज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यानी कि आपके फोटो के सेंटर में जितना शार्पनेस होगा कॉर्नर के एरिया में उतना ही शार्पनेस होगा। साथ ही साथ इस लेंसेज के साथ आपको काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर भी मिल जाता है। एंड ये जो पर्टिकुलर लेंस मैं सेटअप में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है इंदो 40mm, जिससे कि मैं किसी भी सब्जेक्ट से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन रखकर फोटो कैप्चर कर सकता हूँ। साथ ही साथ ये जो लेंस है ये बड़े साइज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कोई बटरफ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई या फिर कोई इयर रिंग्स हो गया उसका बड़ी अच्छी तरीके से फोकस कर सकता है। एंड जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है इस लेंस के साथ। इस लेंस का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इस लेंस को अटैच करने के बाद आपको अपने फ्रेम के चारों तरफ एक ब्लैक सर्कल दिखेगा जिसको कि आपको 1.5x डिजिटल जूम करके रिमूव करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, 1.5x डिजिटल जूम करने से आपकी फोटो की जो क्वालिटी है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वो जरा भी ड्रॉप नहीं होगा। अभी आते हैं हम अपने थर्ड कंपोनेंट के ऊपर जो कि है ये स्पेशल कर्व डिफ्यूजर मैक्रो लाइट। सो ये एक डिफ्यूजर लाइट है जिसे कि आप अपने मैक्रो लेंस के साथ इस्तेमाल कर पाओगे। सो यहाँ पर आपको 17mm थ्रेड मिलता है जिसके ऊपर आप अपने मैक्रो लेंस को अटैच करने वाले हो। एंड इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंदो नहीं बल्कि किसी भी तरीके के मैक्रो लेंस को अटैच कर सकते हो। अगर आपके लेंस में 17mm थ्रेड है तो इस लाइट को आप अपने लेंस के साथ इस्तेमाल कर पाओगे। इस लाइट का खासियत है ये कर्व्ड डिफ्यूज्ड LED पैनल जो कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर लगभग चारों तरफ से एक डिफ्यूज्ड लाइट देता है जिसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज होता है। एंड इस लाइट पैनल का जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, सो इसे आप लो लाइट में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, साथ ही साथ इसे आप डे लाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड डे लाइट कंडीशन में ये आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको काफी डार्क बना देता है जिसकी वजह से आपका जो फोटो है वो काफी बढ़िया दिखता है। ये लाइट USB पावर्ड है तो इसे आप अपने पावर बैंक से पावर दे सकते हो। एंड यहाँ पर है हमारा फोर्थ कॉम्पोनेंट जो कि हमारा पावर बैंक। एंड ये है MI का एक 20,000mAh का पावर बैंक। नाउ मेरा जो पावर बैंक है वो काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही साथ काफी ज्यादा भारी भी है। एंड ये जो लाइट है इसे हमें आउटडोर में इस्तेमाल करना होगा तो हम जो पावर बैंक है उसको छोटे साइज का एक पावर बैंक लेंगे। तो कुछ पावर बैंक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, छोटे साइज का हल्का एक पावर बैंक का परचेस कर लीजिएगा इस सेटअप के लिए। अब सारी चीजों को असेंबल कर लेने के बाद मेरा जो सेटअप है वो फाइनली कुछ इस तरीके का दिखता है। नाउ ये दिखता जितना ज्यादा अमेजिंग है, इसका जो आउटपुट फोटो या फिर वीडियो क्वालिटी है वो उतना ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए, 7 से 8 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई जैसे बड़े सब्जेक्ट को आप फोकस कर सकते हो और इस लाइट की वजह से आप ना केवल लो लाइट बल्कि रात के वक्त भी मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। नाउ यहाँ पर कुछ सैंपल फोटोज और उसके बिहाइंड द सीन्स जो मैंने इस सेटअप को इस्तेमाल करते हुए शूट करी है। ऑलराइट, सो इट्स मॉर्निंग 7:30 AM, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पर हम आउटडोर में आए हैं इस सेटअप को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर मेरे सामने एक बटरफ्लाई बैठा है तो उसका मैं फोटो क्लिक करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये जो सेटअप है डेलाइट कंडीशन में किस तरीके का परफॉर्म करता है। सो ये रहा बटरफ्लाई। अब जैसे ही मैं इसके पास जाकर इसके ऊपर फोकस करता हूँ तो इन दो 40mm मैक्रो लेंस के थ्रू जो फोटो है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। बटरफ्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस में है, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। और यहाँ पर अभी लाइट बंद है बट जैसे ही मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो पूरा ही डार्क बन रहा है। तो डेलाइट कंडीशन में तो ये आपकी फोटो के बैकग्राउंड को डार्क कर देता है, बट अगर आप लो लाइट कंडीशन में इस लाइट को इस्तेमाल करते हो इस लेंस के साथ तो आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो पूरा ही ब्लैक बन जाता है। जैसे कि आप इस कैटरपिलर को देख सकते हो ना, इसकी फोटो अगर मैं कैप्चर करूँ इस लाइट को ऑन करके तो आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो पूरा ही ब्लैक बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है।
अब दोस्तों ये सेटअप तो है काफी जबरदस्त, जिसकी वजह से मैं पर्सनली इसको इस्तेमाल करता हूँ, बट इस सेटअप के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पहली चीज तो ये काफी मैसी सेटअप है, मतलब इजी टू यूज नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसको आपको अच्छी तरीके से सेटअप करना होगा, फिर फोटो क्लिक करने के बाद इसको आपको सही तरीके से खोलकर रखना पड़ेगा। एंड सेकंड प्रॉब्लम है कैरी करने में, बिकॉज इसको अगर आप कहीं बाहर कैरी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका लाइट है, पावर बैंक है, लेंस है, तो कैरी करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगे। सही तरीके से अगर आप कैरी नहीं करेंगे तो आपके ये सारे जो प्रोडक्ट है ये टूट सकता है। सो कैरी करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड नंबर थ्री, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एंड इसी की वजह से मैं ये जो सेटअप है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही रिकमेंड करूंगा जो लोग सीरियसली मैक्रो फोटोग्राफी या फिर क्लोजअप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, देन आई डोंट थिंक कि ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए है। अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, आप उसको लेवल अप करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप इस सेटअप को परचेस कर सकते हो। या फिर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, जैसे कि ज्वेलरीज या फिर ऐसे कोई छोटे साइज की चीजों की क्लोजअप फोटो कैप्चर करते हो, टीथ, आईज, इस तरीके के ऑर्गन्स की फोटो कैप्चर करते हो, तो तब भी आप इस सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर से आप हमारी वेबसाइट से इसको परचेस कर पाओगे। बाकी मेरे इस सेटअप के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।